क्या मॉम? देखो देखो क्या? ये लो ये इसका फ्रेंड भी पकड़ो। वॉलेट में नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से बचाए, आमीन सुमा आमीन, और हम सब का ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की यह भी मदद फरमाएँ और उन्हें फ़तह नसीब करें। तो इधर व्लाग का हो गया है स्टार्ट, और व्लाग का स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों से एक समझ लें एक राय है, एक परमिशन है जो मैंने आप लोगों से लेनी है। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। मैं अपने इसके एंट्रेंस में, मतलब इसके स्टार्ट में ही व्लाग के मैं जो दुआ मांगती हूँ ना, उसमें मैं एक छोटी सी दुआ और ऐड करना चाहती हूँ, जो कि मेरे हर व्लाग में ये होगी। मैं चाहती हूँ कि हम अपने वालदैन को हमेशा दुआओं में याद रखें, जो दुनिया से चले गए हैं उनको भी, और जो दुनिया में अभी ज़िंदा हैं उनके लिए भी खैर वाफियत हम मांगते रहें। तो ये बहुत ज़रूरी है, जो लोग दुनिया से चले गए हैं वो हमारी दुआओं के मोहताज होते हैं। तो इसलिए मैं दुआ ये शामिल करना चाहती हूँ कि जिनके वालदैन ज़िंदा हैं उनको आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता करें अल्लाह ताला, और जिनके वालदैन दुनिया से चले गए हैं उनकी बेहिसाब मगफरत फरमाएँ। तो आप मुझे बताएं मैं ये दुआ इसमें ऐड करूँ कि ना करूँ। हर रोज़ ये व्लॉग में शामिल होगी, क्योंकि इस तरह हम हर रोज़ अपने वालदैन को दुआ में याद रख सकते हैं, रखते ही हैं हम सब लोग भी। अच्छा चलें ठीक है, ये देखें, ये जिधर हम जा रहे हैं ना, तकरीबन हम लोग उधर पहुंच गए हैं। माज बड़े दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ था, उसने ये जगह ढूंढ लिया बकोल उसके, तो कह रहा था बड़ी अच्छी जगह मुझे मिली है, चले आए टूर को उधर लेके चलते हैं। तो ये है एक वादी अल रियाज में अलशिफा एक छोटा सा इलाका है, सिटी है, उसमें ये वादी है, बड़ी प्यारी है ये देखें। और इसके दोनों साइडों पे पहाड़ हैं बहुत ऊंचे ऊंचे। अब जो पहाड़ है ना, उधर रिहाइश है, सारा बिल्डिंग्स हर चीज़ है, लेकिन इन्होंने पहाड़ को खोद के उसको तोड़ के ये बीच में रास्ता बनाया हुआ है, और ये जो आपको रोड्स नज़र आ रहे हैं, तो बड़ी प्यारी ये वादी है। इसको इंग्लिश में वाटरफॉल भी कह सकते हैं, और बड़ी प्यारी सी इन्होंने क्योंकि इसके अंदर झील बनाई हुई है। तो माज बड़ा एक्साइटेड है हमें ये जगह दिखाने के लिए। अभी तक तो मुझे पता नहीं चला था कि ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे ना, तो उधर जाके मैंने माज को बताया, माज जब आप लोग छोटे थे बचपन में, हम आप लोगों को इधर ही लेके आया करते थे, कितनी दफ़ा मैं लेके आई हुई हूँ, पापा के साथ हम आए हुए हैं, तो मान नहीं रहा था। ये क्या है? हाँ जी, ये क्या है? डक? वाओ, इसमें तो डक भी है। चलो बैना को बोलो, बैना आ जाओ। वाओ वाओ, हाँ जी, इसको बोलो डक इधर आ जाओ, वो तो जा रही है। इधर आओ इधर आओ, वो जा रही है, उसको जाने दो, अभी फिर आ जाएगी। ठीक है, इधर भी आएगी, इधर 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 भी है, वो देखो उधर भी है, माऊ भी बैठी है, माऊ। वाओ, ये देखो, मारना ना उसे, बैठी रहने दो, उसे भगाना ना, फिश पकड़ने के लिए बैठी हुई है वो। प्यारी माँ, प्यारी है, प्यारी है। माँ को बोलो फिश पकड़ लो। ये तो फिश पकड़ने के लिए इधर बैठी है। हाँ जी, वो देखो वो देखो, इधर से फिश पकड़ती है, देखो देखो देखो, उसे बोलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
हाँ जी, ये तो बहुत प्यारी है कैट। कैट को बोलो आके फिश खा लो, आ जाओ ले आओ इसको इधर, उसने अपनी फिश खानी थी। आई है उसको, आज हम डक देख के आए, इधर आओ आओ डक देख के आए, आओ आओ डक डक किधर है डक, उधर है उधर बैठी हुई है, वो देख के आए, उसने फिश खानी है माऊ ने, ना करो ओके बाय बाय कर दो माँ को, बाय बाय कर दो, आ जाओ चलो। मांस कहाँ गया है? तो आप क्यों इधर बैठे हुए हो? तो आप भी उसके साथ चले जाते। माज हनी की घर से निकलते ही लड़ाई हो गई है, इसलिए हनी इधर बिल्लियों जैसा मुंह बना के बैठा हुआ है और माज जो है ना वो ये सामने जो आपको पहाड़ नजर आ रहा है ना उस साइड पे वो भी अकेला चला गया, सारा रोन लेके आएगा। चलो चलो आ जाओ चलो। देखो देखो ये तो पानी में मजे कर रही है, देखो इसमें फिश भी है छोटी छोटी। हाँ जी, इतनी देर से मैं समझ रही थी कि पानी शायद गंदा है, लेकिन गंदा नहीं है, साफ है। दूर से देखे तो ऐसे लग रहा था जैसे गंदा है पानी, ये देखिए बहुत साफ़ है, वाइट वाटर है। तो आज मैंने वॉइस ओवर थोड़ी कम किया, ज़्यादा मैंने रियल साउंड ही रखी है क्योंकि बर्ड्स की और वाटर की आवाज़ मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा आप भी ऐसे इंजॉय करें। येलो वाटर लाओ, ये फ्रेंड मुझे दे दो। अपना फ्रेंड पकड़ लो। ओके गाइस से सलाम भी ले लो। अस्सलाम वालेकुम। नहीं गाइस, फ्रेंड्स फ्रेंड्स। हाँ जी बोलो, देखें हम किधर आए हैं, इधर वाटर है इतना ज्यादा, और बताओ माऊ भी है और डक भी है, इधर आओ इधर आओ। बोलो ये देखें, ये देखें पानी। और डक किधर है? डक बोलो, वो देखें वो डक है, डग नहीं डक। हम इधर बैठ गए हैं। हाँ जी आप भी बैठ जाओ, फ्रेंड को तो आपने माऊ नहीं दिखाई। हाँ जी फ्रेंड को भी फिश दिखाओ ना। हाँ जी ये आप अपने फ्रेंड को ये भी है। चलो बस आ जाओ। काफ़ी टाइम हो गया मैं इधर आए हुए और घर से आते हुए माज कह रहा था कि कुछ बैठने के लिए भी ले जाते हैं, कोई चीज़ उधर बिछा के बैठ जाएंगे, तो मैंने कहा सारा दिन घर में बैठे ही रहते हैं, उधर जितना भी टाइम रहेंगे ना घूमे फिरेंगे,
तो अभी हनी को टेंशन हो रही है, इतनी देर से माज वापस नहीं आया, तो मुझे कह रहा था मामा वो किधर गया हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया। तो ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, इन पहाड़ों के ऊपर भी मुझे दूर से नज़र आ रहा है कि लोग इनके ऊपर भी चढ़े हुए हैं, और पता नहीं इसकी बैक साइड पर भी कुछ ऐसी इस तरह की लोकेशन होगी, इस तरह का व्यू होगा। तो माज जो है ना वो सारा रोन लेने गया हुआ है, और मुझे लग रहा है कि वो कहीं पहाड़ों के ऊपर ही ना चढ़ा गया हो, बता के भी नहीं गया है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ या मैं कहीं किस साइड पर जा रहा हूँ। तो अभी तक वापस नहीं आया, अब हनी को फिक्र हो रही है, वैसे मुझे नहीं हो रही, वैसे ही राउंड लेने गया हुआ है। और ये देखिए ये पहाड़ों के ऊपर मुझे औरतें भी नज़र आ रही हैं दूर से। हाँ जी, कैट कह रही है मुझे तंग ना करो। ये वही है, वो सही नहीं है। इधर पापा के साथ इधर ही आते हो तो पहले भी इधर ही आते थे, मैं इतनी दफा आई हूँ। पापा एक दफा लेके आए थे, ऊपर से ऐसे पानी भी गिर रहा होता था, जैसे ये पहाड़ है ना। बस आपने कहा था कि नहीं दूर आ जाओ, मेरा बेटा माऊ डर रही है आपसे, फिर काटी कर देगी। हाँ जी, कैसे ही नहीं है, कैसे सर से कुछ नहीं होता। बाय बाय कर दो उसे। हाँ जी, हनी को सबकी बड़ी फिक्र होती है, अब कह रहा है मामा इसको बिल्ली को हाथ ना लगाने दें, जरासीम लग जाएंगे इसके साथ। तो मैंने कहा आप कभी कभी तो घर से बाहर निकल जाए तो उसे खेलने दो, वैसे इस बिल्ली को गुस्सा ही आ रहा था कि ये बार बार उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। ये माँ सारा घूम के आ गया चक्कर लगा के, और अब इसने माँ को ना आपस में इन्होंने मीटिंग भी कर ली है, और मुझे कह रहा है कि मामा हमने पानी पीने जाना है, पानी लेने तो गाड़ी में हम जा रहे हैं, तो ये कहीं और जाने की प्लानिंग कर रहा है। किधर जा रहे हो आप? आपने बैठना है। आप कहाँ जा रहे हो? आगे जाएंगे। आगे कहाँ? थोड़ा ज्यादा आगे। चलो गाड़ी पे। गाड़ी पे क्यों? थोड़ी देर इधर ही बैठते हैं, फिर मगरिब टाइम वापस चले जाएंगे, मगरिब होने वाली है। नहीं गाड़ी पे नहीं जाना कहीं भी, गाड़ी पे नहीं कहीं भी जाना, नहीं जाना, मैंने कहा है ना। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पानी के बहाने से जा रहा है और ये पहाड़ों के ऊपर ऊपर गाड़ी लेके जाएगा, जो कि मुझे खतरा लग रहा है। इसलिए अगर इसके पापा साथ हो ना तो फिर तो कोई फिक्र वाली बात नहीं है, तो अभी इसके पापा साथ नहीं आए हुए हैं तो फिर मैं इसको अकेले ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ। तो ये कुछ गलत करके आ जाए गाड़ी के साथ, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने उसे डांट दिया। कहता है मुझे प्यास लगी हुई है, मैंने पानी पीना, पानी की एक बोतल मेरे पास आई थी, मैंने कहा ये लो पी लो, कहता है नहीं मैंने ये नहीं पीना, मैंने नया लेना है। तो माँ के साथ इसने प्लानिंग भी कर ली है, उसका भी दिल कर रहा है कि हम ठीक है हम चलते हैं, लेकिन मैंने नहीं जाने दिया। मैंने कहा पैदल जाना है कहीं भी तो चले जाओ, गाड़ी लेके नहीं जाना कहीं भी। तो ये देखिए ये बड़ी प्यारी सी झील है, उसमें प्यारी प्यारी डक्स भी हैं, तकरीबन मुझे लगता है 10-12 हैं। तो इधर जो है ना मछलियाँ, उनको लोग रोटी कुछ स्मूली वगैरह भी लेके आते हैं, उसको उनको खाना भी डालते हैं। देखो डक का मुंह तो ब्लैक है, अच्छा खेल रहे हैं। तूर तो बेचारा बच्चों से डर ही रहा है, उनको खेलते हुए भी देख के उसका दिल भी कर रहा है खेलने को, लेकिन डर भी लग रहा है। जाओ उससे सलाम लेके आओ, ऐसे हैंड के साथ जाओ लेके आओ। देखनी है ब्लैक ब्लैक माऊ है, उसका बेबी भी है छोटा सा, आराम से नहीं तो वो भाग जाएगी। ब्लैक है, ब्लैक ब्लैक माऊ है, उसका बेबी भी है। वाओ, कहाँ छुप रही है माऊ? माऊ बेचारी को तो भूख भी लगी हुई है ना, करो ऐसे, वो डरती है ना। ना 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 ना, ये देखो ये उसका बेबी है ना। ना।
बस 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 चालीस मिनट हो गया हम। इसने नहीं छोड़नी बिल्लियों की जान, सही उनकी शामत आई हुई है। खैर गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिल्लियाँ भी बेचारी सूखी सूखी सी हैं। अगर नेक्स्ट टाइम हम कभी आए ना तो उनके लिए भी कुछ खाने को ज़रूर हम लेके आएंगे, और मछलियों के लिए भी रोटी वगैरह हम लेके आएंगे उनको डालने के लिए। तो चलें ये देखें व्यू कितना प्यारा है, बहुत बहुत प्यारा व्यू, इधर से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलें एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम का हमीद मजीद। तूर के पास अभी कोई खिलौना नहीं है ना, तो वो बोर हो रहा है, इसलिए बिल्लियों की भी शामत आई हुई है, तो फिर मैंने सोचा इसे कोई खिलौना ले देते हैं। आपने क्या लेना? उधर से देखो क्या लेना है आपने, पकड़ो। और वो देखो बलून, बलून अच्छा है बलून। हाँ जी चला के दिखाओ ना उसे। लेनी है वो तो डर रहा है बलून नहीं, ये अच्छी है, बस ले दो उसे, ये उसे पता ही नहीं कैसे खेलते हैं। चलो ले लो ये, जाओ उनको पैसे दे के आओ। एक लेनी है ना, ये क्या है? वो जोर कर लो, अभी ना दिखाई ना, आते नहीं ना। क्या आपने बलून लेना है? क्यों, कितने का है? अशरा ला बलून, माफी कोई है, वो सही है। सो मैं डिजाइन के डिजाइन तूर ने बलून लेना है। वाओ इसमें लाइट भी है। हाँ वहाँ लाइट, इसमें यहाँ से लाइट भी डालते हैं। वाओ नीचे उतर जाओ। ना 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 ये ऐसे टूट जाती है, चला के दो उसे मांस। बहना से चलवा लो, बहना को बोलो आपको चला के दे, ये भी चला के दो उसे। हाँ ये भी चलाओ ना उसकी। हाँ बलून, वाओ वो भी ले लो अपनी वो। ये देख ले माज इधर भी मुझे फोर्स कर रहा है, मुझे कह रहा है अच्छा मामा आप थोड़ी देर टूर के साथ इधर ही इंजॉय करें, टूर को घुमाएं फिर आए, मैं 10 मिनट में चक्कर लगा के आता हूँ, मैं और माँ आ जाते हैं। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं जाने देना, इन दोनों ने पक्का मूड बनाया हुआ, लेकिन मैं रोक के रख रही हूँ इनको। और ये जो जिससे हमने खिलौने लिए हैं ना, वो हाथों पे मेहंदी भी लगाती है, उसने माँ को बताया, कहती है 10 रियाल में मैं लगा दूँगी मेहंदी अगर लगवानी है, लेकिन माँ नहीं लगाई, अगर लगवा लेती तो फिर ये खेलना किसने था। लाओ वो भी चलाएं, ये भी चलता है ना। ये ये लो, ना ना बलून फट जाना है। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे, एक बढ़ता है एक दिन और अगले दिन दो कम हो जाते हैं, तो प्लीज़ जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है, और ये जो आपको मैंने आप लोग आप वादी देख रहे हैं ये किस तरह की आपको लगी है। अच्छा ये देखें हम थोड़ा सा आगे आए तो इधर खजूरें पड़ी हुई थी,
तो मुझे तो अच्छी लगी, मतलब कोई भी लेके इसको खा सकता है, उन्होंने रखी ही इसलिए है। तो मैंने एक खजूर इसमें से लेके खाई है, तो मेरे सारे बच्चों को बड़ा अजीब सा लग रहा था, मामा ये आप क्या कर रही हैं, मामा आप क्यों इधर से लेके खा रही हैं। मैंने कहा उन्होंने खाने के लिए ही रखी हुई है, और स्पेशली मगरिब के टाइम पर इधर पड़ी हुई है, तो इधर यही होता है अगर किसी ने रोज़ा रखा होता है ना तो वो रोज़ा अफ्तार कर ले, इस तरह की चीज़ इस तरह ऐसे इन्होंने रखी होती है। अच्छा तो ये देखिए ये मगरिब के टाइम का व्यू है, और वो छोटी सी आबशार है जो आपको नज़र आ रही है, और बड़ी प्यारी लगती है रात को ये, इसका ये सारा व्यू ज़्यादा अच्छा लगता है जब लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती हैं। लेकिन अब हमारा वापसी का टाइम हो गया, क्योंकि मास को प्यास भी लगी हुई है, तो इसलिए हमने इरादा कर लिया कि अभी हम वापस चलते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएँगे रात के टाइम पर आएँगे। अच्छा मास इधर आया हुआ है, पहले जब इसकी स्कूल की पार्टी फिनिश हुई थी ना, तो इसने अपने दोस्तों के साथ मुझे बता रहा था, मामा अगले दिन मैंने हम अपने दोस्तों के साथ होटल नहीं गए थे, हम लोग इधर आए थे और इधर बैठ के हमने बारबेक्यू किया था, ये पूरी रात इधर रुके थे। और इधर लोग रात के टाइम पे ज़्यादा आते हैं और बारबेक्यू करते हैं बैठ के, ऐसे जैसे पिकनिक मना रहे होते हैं ना इस तरह, बड़ा अच्छा लगता है इधर बैठना, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही होती है। तो बस हम घर वापस चलते हैं। और ये जो खिलौने हमने लिए हैं ना, इनका तो मैं आपको बता दूँ, एक खिलौना तलवार लिया है माज ने, और बलून जो है ना वो माहा ने लिया है। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है, जब बचपन में हम इनको ये खिलौने ले के दिया करते थे, चूज़ करते थे ये अपने लिए, तो लड़कों के पास तलवार होती थी और माहा के पास वो बलून अक्सर ऐसे लाइटिंग वगैरह होता वाला होता था। तो इन्होंने अपने लिए, मतलब जो इनको खुद पसंद था वही इन्होंने तूर को उसके लिए भी यही चूज़ किया है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये खुद उनके साथ ज़्यादा खेल रहे हैं। ये देखें तलवार इसने माज ने पकड़ी हुई है और बलून उसके माँ ने पकड़ा हुआ है, और दोनों ने पहले इन दोनों खिलौनों के साथ इंजॉय किया, उसके बाद तूर की बारी आई है, ये देखिए। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएँ।